Assalamu alaikum dear student, I am Syed Darbar Fatima. We are doing unit number 14, Ratios and Proportions, grade 9th. Today we are going to start exercise 14.1 and going to solve question number 1 and its few parts. So let's move towards the light board. Exercise 14.1, question number 1 is, in triangle ABC, hume given kya hai? डी इज पैरल टू बी सी मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं पैरल हैं और अभी हम दो थेरम्स करते हुए आए हैं एक थेरम में हमने देखा था एक स्टेटमेंट थी और दूसरा उसका बेसिकली क्या था कन्वर्स था दोनों में हमने जो कंक्लूड की थी बातें उसको देखते हैं यहाँ पे हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है और एक लाइन है जो कि ट्रायंगल को टू साइड को कट रही है और थर्ड के है पैरेलल फर्स्ट में ये हमें गिवन था हमने प्रो हमने प्रूव क्या किया था फर्स्ट थेरम में हमने ये प्रूफ किया था कि जो उसकी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं इट मीन्स ए ई अपॉन ई सी अब मैं इसको फ्रैक्शन uh, में इसलिए बता रही हूँ को रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी ई तो हम उसी थेरम को यहाँ पे करेंगे अप्लाई और फाइंड करेंगे अपनी रिमेनिंग साइड्स को अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ए डी गिवन है फर्स्ट पार्ट में ए डी की वैल्यू क्या गिवन है 1.5 सेंटीमीटर इट मीन्स दिस इज़ 1.5 सेंटीमीटर एंड बी डी इज़ 3 सेंटीमीटर एंड ए ई इज 1.3 सेंटीमीटर व्हाट वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड सी ई सी ई या ई सी एक ही बात है क्योंकि हमने बात करनी है उसकी लेंथ के बारे में तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम पहले अपने राइट कर देते हैं जो जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन को राइट करने के बाद फिर हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को करेंगे यूज़ और फिर हम इसको कर लेंगे अपनी जो अननोन साइड है उसको फाइंड तो हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट वन को सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। अब हमें क्या क्या गिवन है सब वो मेंशन कर देते हैं ए डी है हमारे पास वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बी डी है हमारे पास थ्री सेंटीमीटर मैर एन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर एंड वी हैव हैव टू टू फाइंड फाइंड वी है ओके e. okay, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको हमें पता है कि हमारे पास जो थेम की स्टेटमेंट है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे राइट कर सकते हैं आप चाहें तो स्टेटमेंट को यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं किस तरीके से करेंगे कि अगर हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं Uh, और वो हैं किसके एक पैरेलल लाइन है किसके अकॉर्डिंगली ट्रायंगल की एक साइड के अकॉर्डिंगली तो जो हमारे पास रिमेनिंग टू साइड होंगी वो आपस में उनकी जो होगी रेशो वो क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी तो इस चीज को हम मेंशन भी कर सकते हैं आई एम गोइंग टू मेंशन ओवर हेयर अ लाइन पैरेलल टू One side of a triangle which divides the other two sides. प्रपोशनली ये वो बेसिकली स्टेटमेंट है थ्योरम की जो कि हम यहाँ पे करने जा रहे हैं यूज अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगी मेंशन ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि पता हो कि हम किस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं और क्यों अप्लाई कर रहे हैं तो बस इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है उसके बाद क्या करेंगे हम इसको कर लेंगे सॉल्व और आपको एक दफा ये अगर अच्छे से याद है तो बार बार हम इसमें इसको मैंशन नहीं करेंगे और हम डायरेक्टली अब यूज़ कर लिया करेंगे इसके रिजल्ट को ओके okay. तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा मैर ए डी अपॉन मैर डी बी इक्वल्स टू मैर ए ई अपॉन मैर अब यहाँ पे हम लिख लें ई e, सी या जो जिस तरह पे हम वहाँ पर मैंशन है यहाँ पे पहले हम ई सी लिख लेते हैं फिर बाद में हम इसको लिख लेंगे कि हम इसको उस तरह भी राइट कर सकते हैं ओके अब हमारे पास जो गिवन है उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे आ जाएगा वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डी बी डी बी कह लें या इसको हम कह लें बी डी या डी बी ए की बात है तो यहाँ पर इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे वो क्या आ जाएगी हमारे पास थ्री सेंटीमीटर्स और उसके बाद ए आ जाएगा वन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर और इसी तरीके से यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है सी ई -E, तो अब इसको हम सी ई -E भी लिख सकते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ओके okay, अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम अब इसको राइट कर देंगे एम CE into 1.5 cm and it becomes 1.3 cm into 3 cm so it becomes थ्री सेंटीमीटर्स सो इट बिकम्स ये आ जाएगा थ्री थ्री ज़र नाइन थ्री वन जो थ्री सेंटीमीटर स्केयर एंड इट बिकम्स सी ई अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे ये से हो रहा है मल्टीप्लाई वहाँ जा क्या हो जाएगा डिवाइड वन सेंटीमीटर अब हम यहाँ पे इसको कर देंगे मेंशन। अब देखें किस तरीके से कटिंग होगी इसको ज़रा देखते हैं से, ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ और ये रह जाएगा एज इट इज थ्री सेंटीमीटर अपॉन 1.5। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें यहाँ पे एक चीज़ आपने करनी है नोटिस मैंने क्या किया क्योंकि मैंने यूनिट साथ लिखे हुए थे तो मैंने यूनिट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई किया फिर ये भी सेंटीमीटर आ गया ये सेंटीमीटर हो गया आपस में कैंसिल आउट लेकिन अब होता ये है कि स्टूडेंट इस स्टेप को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और इसमें कर जाते हैं मिस्टेक वो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कटिंग नहीं करते या मल्टीप्लाई नहीं करते और एज इट इज़ जाने देते हैं तो दोनों कंडीशन में आपका समझ आ जाता है कि आपका उस पॉइंट पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से कोई मिस्टेक कर सकते हैं तो यूनिट ना लिखें सारा सॉल्व करने के बाद एंड पे लिख दें यूनिट तो एक क्वेश्चन मैं इस तरीके से भी आपको करके दिखा दूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा टू पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर्स सो दिस इज द आंसर फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है सॉल्व अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ सेकेंड पार्ट क्या है इफ ए डी इज टू पॉइंट फोर आई एम गोइंग टू ओवर हेयर नाव ये गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट सो यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे क्या है मैयर ए डी इक्ल्स टू टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर मैयर इक्वल्स टू थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर्स, एंड मैर ई सी इक्वल्स टू फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर और फाइंड क्या करना है व्हाट वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड ए बी दैट्स इट अब हम क्या करेंगे सेम स्टेटमेंट को हम यहाँ पे करने लगे हैं यूज अब मैं स्टेटमेंट ये बार-बार नहीं लिख रही मैं अब अब जो मेंशन करूँगी वो होगी बाय थ्योरम 11 बाय थ्योरम 14.1.1 तो आप लोगों ने इस तरीके से थ्योरम का नंबर नहीं लिखना क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर नंबर लिखेंगे तो किस तरीके से पता चलेगा और हर वक्त याद भी नहीं होता उस तरीके से कि हम किस थेरम की बात कर रहे हैं ये प्रॉपर वे भी नहीं है किसी चीज को कॉल करने का तो आपको लिखनी होती है स्टेटमेंट तो आपने वहां पर स्टेटमेंट ही मैंशन करनी है बाय 14.1.1 लेकिन आप मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने यहाँ पे क्या करनी है स्टेटमेंट करनी है मेंशन उसको यूज़ करते हुए हम क्या लिख सकते हैं मैर ए डी अपॉन मैर डी बी इक्वल्स टू मैर ए ई अपॉन मैर ई सी इसको हम वैल्यूज को कर देंगे यहाँ पर पुट यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ पे आज हमारे पास टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर्स और डी बी हमें अब गिवन नहीं है हमें डी बी की स्टूडेंट वैल्यू नहीं पता तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करने के लिए इसको फाइंड करेंगे और फिर हम ए बी की भी कर सकते हैं वैल्यू को फाइंड तो सबसे पहले तो हमने जो फाइंड करना है वो हमने डी बी ही फाइंड करना है तो ए हमारे पास क्या है थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर्स और यहाँ पे आ जाएगा फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर इसको हम कर लेंगे इस तरीके से सॉ so ये दोनों आपस में यूनिट्स हो जाएंगे कैंसिल आउट और हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर इंटू फोर पॉइंट एट थ्री पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय मैयर डी बी सबसे पहले हम फाइंड क्या करें स्टूडेंट हम फाइंड कर रहे मैयर डी बी तो अब हम क्या करेंगे कैलकुलेटर पे इसको कर ले ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड फोर पॉइंट एट अबाउट थ्री पॉइंट टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी डी बी की वैल्यू इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देती हूँ मैंशन थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर्स अब डी बी हमारे पास आ गया स्टूडेंट हम ए बी किस तरीके से फाइंड करेंगे ए बी हम दोनों को अगर कर दें प्लस किस किस को प्लस कर दें मैयर ए डी प्लस मैय डी बी तो हमारे पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी तो ए डी क्या है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर्स प्लस 3.6 सेंटीमीटर्स अब स्टूडेंट ये देखिएगा डेसिमल ये हमेशा बात याद रखें अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो तो ठीक है अगर आप कैलकुलेटर से नहीं कर रहे हैं तो डेसिमल में एडिशन में प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट यूनिट और टेंथ का ख्याल नहीं रखते हैं क्या मतलब हमारे पास डेसिमल के बाद स्टार्ट होता है टेंथ से टेंथ नहीं होता टेंथ से है टी एच हम यूज़ करते हैं एक पॉइंट तो ये है तो यूनिट होता ही नहीं है डेसिमल के बाद तो इसका मतलब ये अगर आपने टू पॉइंट फोर लिखा है और आपने दूसरा नंबर इसमें ऐड करना फिर डेसिमल के अकॉर्डिंगली इसके आगे वाला नंबर और बाद में वाला लिखेंगे और इसको कर देंगे ऐड ये तो वैसे बहुत ईजी है टेन आ गया और ये आ गया सिक्स और सिक्स पॉइंट जीरो का मतलब सिक्स ही होता है तो ये आंसर आ जाएगा सिक्स सेंटीमीटर्स एंड दैट्स इट ये हमने करना था फाइंड जो कि हम फाइनली कर चुके हैं वी हैव डन विद द पार्ट टू अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट को सॉल्व अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट अब हम करेंगे थर्ड पार्ट सॉल्व थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है इसको देखते हैं मैर ए डी अपॉन मैय डी बी इक्वल्स टू थ्री अपॉन फाइव और हमें गिवन है मैयर ए सी इक्वल्स टू फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर्स अब इसको फिगर्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि इसमें हमें ए डी क्या गिवन है थ्री और डी बी का गिवन है फाइव ये आ गया हमारे पास थ्री सेंटीमीटर्स और ये आ गया फाइव सेंटीमीटर्स और ए सी गिवन है स्टूडेंट यहाँ पे हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू गिवन है फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर ना तो हमें ए ई गिवन है और ना ही हमें ई सी गिवन है तो हमें गिवन क्या है हमें पूरे को पूरा ए सी गिवन है हमने क्या फाइंड करना है हमने यहाँ पे फाइंड करना है ए ई वी हैव टू फाइंड ए ई हेयर लेकिन उसके लिए करेंगे क्या हम देख सकते हैं कि ए सी इक्वल होता है यहां से करते हैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैयर ए सी इक्वल आएगा मैयर ए सी इक्वल्स टू मैयर ए ई e. प्लस मैयर ई e. सी अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है यहाँ पे हमें कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे हमें सिर्फ ए सी की वैल्यू गिवन है उसको मैं करने लगी हूँ पुट ए सी की जगह मैं लिख दूँगी फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर्स मैयर ए ई प्लस मैयर ई सी अब यहाँ से हम ए e की वैल्यू ही फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ ई सी क्या मतलब ई e को मदर ले जाऊँगी वैसे भी हमने जो भी फाइंड uh, करनी होती है अननोन टर्म हम उसको एक साइड पे रहने देते हैं बाकी सबको ले जाते हैं दूसरी तरफ लेकिन एट अ टाइम सिर्फ हमारे पास कोई एक ही वैल्यू अन होनी चाहिए तभी हम उसको फाइंड कर सकेंगे लेकिन इस कंडीशन में देखें स्टूडेंट हमारे पास टू अननोन्स हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं जो कि आ जाएगी मैर ए ई इक्वल्स टू अब आप इसको उधर ले जाएं उसको उधर ले जाएं एक ही बात है फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर माइनस मैयर ई सी इसे मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर वन ये इक्वेशन नंबर वन आ गई है अब इक्वेन नंबर वन में हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है ई सी ई सी को करेंगे फाइंड और ई सी को फाइंड करने के बाद जब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ए ई की वैल्यू अब ई सी को फाइंड करने के लिए मैं फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट को ही यूज करने जा रही हूँ स्टेटमेंट मैं भी राइट नहीं रही बट आपने स्टेटमेंट ही राइट करनी है सो आई एम गोइंग टू राइट बाय थ्योरम फोर्टीन पॉइंट वन पॉइंट वन और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे मेंशन कर देंगे मैयर ए डी अपॉन मैयर डी बी इक्वल्स टू मैर ए ई अपॉन मैर ई सी अब क्या करेंगे हम इनकी वैल्यू करेंगे सब्सिट्यूट ए डी है हमारे पास थ्री जैसे कि मैंने कहा था यूनिट के बगैर भी आपको करके दिखाऊंगी तो मैं यूनिट नहीं यहाँ पे राइट करी यहाँ पे आ जाएगा डी बी आ जाएगा फाइव और इसी तरीके से ई भी e, हमने फाइंड करना है तो ए e की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूं नंबर वन को यूज करूंगी ए e की जगह मैं पूरी साइड कर दूंगी फोर पॉइंट एट माइनस मैयर ई सी अपॉन मयर ई सी अब क्या करेंगे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसको कर लेंगे सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे यहाँ पर और इसको करेंगे सॉल्व तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री इंटू मैयर ई सी इक्वल्स टू फाइव इंटू फोर पॉइंट एट माइनस मैयर ई सी क्लोज तो इसको क्या हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और करेंगे इसके साथ भी मल्टीप्लाई आ जाएगा फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर पॉइंट एट माइनस फाइव इंटू मैयर ई सी और यहाँ पे आ जाएगा थ्री मैयर ई सी अब क्या करेंगे ई सी ई सी को कर देंगे एक साइड पे तो ये आ जाएगा थ्री मैयर ई सी ये माइनस है यहाँ आके हो जाएगा प्लस फाइव मैयर ई सी इक्वल्स टू इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे फोर पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाई फाइव फोर्टी फोर फाइव फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो तो हम यहाँ क्या मैंशन कर देंगे ट्वेंटी फोर अब यहाँ से देखें इनको करेंगे सॉल्व आ जाएगा एट मैर एट ई सी इक्व टू ट्वेंटी फोर ये हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड तो ट्वेंटी फोर अपॉन एट तो हम ऐट के टेबल में देखें ट्वेंटी फोर कहाँ आता है एट वन जा, एट एंड एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर तो हमारे पास ये आ जाएगा मैर ई सी इक्वल्स टू थ्री अब मैं एंड पर लिखने लगी हूँ यूनिट इसके साथ सेंटीमीटर्स लेकिन हमें ई सी नहीं चाहिए था हमें ई सी चाहिए था सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने ए ई की करनी है वैल्यू फाइंड ये इसको कर देंगे पुट इन इक्वेशन वन क्या करने लगे हैं इसको हम पुट करने लगे हैं इक्वेशन वन में मैयर एक्व टू फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर माइनस अब इसकी जगह आ जाएगा थ्री सेंटीमीटर तो हमारे पास क्या आ जाएगी मैयर ए ईक्स टू तो, अब देखें जो बात मैं आपको उस वक्त समझा रही थी डेसिमल में संप्रेक्षण के हवाले से वो मैं आपको अब समझाती हूँ जिस तरह के मैंने अब लिखा फोर पॉइंट एट अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको वो बता दूँ जो बाय हैंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कर देते हैं गलती अब थ्री को लिख देते हैं यहाँ पे और ये कर देते हैं इसको सॉल्व इस तरीके से ये आ गया फाइव पॉइंट फोर और ये बिल्कुल हो जाता है गलत मिस्टेक इसमें क्या है अब इस नंबर के साथ तो डेसिमल है ही नहीं इट मीनस कि मैंने डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखना है तो अगर डेसिमल नहीं है तो मैं यहाँ पर डेसीमल लिख दूँगी इसको बैलेंस करने के लिए और यहाँ पे डेसिमल के बाद लिख दूंगी जीरो मतलब थ्री को लिख दूँगी थ्री पॉइंट ज़ीरो जो कि सेम ही होता है अब थ्री को लिखूंगी वंस के नीचे जो कि वंस है ये अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व एट माइनस ज़ीरो एट आ गया और फोर माइनस थ्री आ गया वन तो ये आ जाएगा वन पॉइंट एट अब हम इसको यहाँ पे कर देंगे मेंशन मेयर ए इक्वल्स टू वन पॉइंट एट सेंटीमीटर्स ये हमारे पास आ गया आंसर ये स्टूडेंट हमने देखा किस तरीके से हमने तीनों पार्ट्स को किया है सॉल्व हमारे फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज करते हुए ये yes, स्टूडेंट हमने देखा जो हमने थ्योरम्स किए हैं हम किस तरीके से उनको कर सकते हैं क्वेश्चंस पे अप्लाई इन क्वेश्चंस की करें अच्छे से प्रैक्टिस सी इन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज